दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्या होता है सोने का सही तरीका। बने रहे वीडियो के अंत तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और अपना फीडबैक हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। यह तो हम सब जानते हैं कि नींद लेना हम सब के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन यदि आप सही तरीके से नींद लेते हैं तो यह आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है सोने का सही तरीका। ऐसा हम सभी अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं उन्हें अच्छी नींद आ जाती है, जबकि वही बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लंबे टाइम तक अपनी स्लीपिंग पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, फिर अपनी फेवरेट पोजीशन में आने के बाद ही उन्हें अच्छी नींद आ पाती है। आप भी अपने बारे में सोच लीजिए कि आपको कैसे सोना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि आप ऐसे सही कर रहे हैं या नहीं। यदि स्लीपिंग पोजीशन की बात करें तो यह कई तरह की होती है, जिसमें स्टमक पोजीशन, बैक सपोर्ट पोजीशन, शोल्डर पोजीशन, डार्किस्ट पोजीशन और भी बहुत से पोजीशन होते हैं सोने के, लेकिन आमतौर पर इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल हम सभी ज्यादातर क्या करते हैं। ऐसे में आज हम आपको बता रहे हैं कौन से पोजीशन से हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और कौन सा पोजीशन किस स्टेज में सही रहता है। तो सबसे पहले है कमर के बल सोना। यह सोने का सबसे साधारण पोजीशन है। इसमें आप कमर के बल लेते हैं और सीधे सोते हैं। वैसे पहले आपको बता दें, हर स्लीपिंग पोजीशन के नुकसान और फायदे भी हैं, जो हर बीमारी के आधार पर भी निर्धारित करता है। जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए यह पोजीशन सबसे सही और सेफ माना जाता है। इसके अलावा इस तरह सोने से एसिड रिफ्लॉक्स की बीमारी भी दूर होती है। इसमें नाक, कमर दर्द और कंधे के दर्द से भी निजात मिलती है। दूसरा है पेट के बल सोना। पेट के बल सोना वैसे गलत माना जाता है, लेकिन कई मायनों में यह फायदेमंद भी है। इसमें काफी हद तक कमर के दर्द और नर्व से रिलेटेड दिक्कतें होती है वो दूर हो जाती है। साथ ही अगर आप पेट के बल सोते हैं तो उन्हें स्पाइन की दिक्कत भी हो सकती है। तीसरा है करवट लेकर सोना। करवट लेकर सोना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन कुछ देर बाद यदि पोजीशन बदल ले तो और ज़्यादा बेहतर है। इससे आपको स्पाइनल दिक्कत भी नहीं होती है और बैक, कंधों और गर्दन को मदद भी मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों को खराटे की दिक्कत है उनकी दिक्कत भी कम हो जाती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी सोने के सही तरीके से संबंधित। आशा है आपको हमारा यह छोटा सा क्लिप जरूर पसंद आया होगा। तो अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।